हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे फैशन। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सा हलीम। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 कप हलीम के गेहूं ले लिए। इसे हम ओवरनाइट भिगो कर रखेंगे। अब हम यहां पर लेंगे 1 कप तुवर दाल, 1 कप चना दाल, 1/2 कप मसूर दाल और 1/2 कप उड़द दाल। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 घंटे भिगो कर रख सकते हैं, वरना हम इसे ऐसे ही पका लेंगे। तो हमने जो ओवरनाइट गेहूं भिगो कर रखे थे उसी में सब दालों को वॉश करके डाल देंगे। यहाँ पर हम इसे 1 सीटी लेने के बाद मीडियम फ्लेम पे 1/2 घंटे के लिए पका लेंगे। अब हमने 2 कप पानी लिया है, उसमें हम 1 किलो मटन डाल देंगे। यहाँ पर हमने डाली है 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से गोश्त गलने तक पका लेंगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है, हमें यहाँ पर तेल नहीं डालना है। अब हम एक तपेले में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लेंगे। इसमें हमने 6 बड़े साइज के प्याज को काट कर डाला है। अगर आपके पास बेरिस्ता है तो ठीक है, वरना हम इसमें थोड़े प्याज और ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें बिरिस्ता बाद में चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो दाल और गेहूँ वगैरह अच्छे से पके या नहीं पके। इसे हम पानी डाल के अच्छे से घोट लेंगे। हमें इसे अच्छे तरीके से घोट लेना है। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे जो गोश्त है वो गला या नहीं गला। तो यहाँ पर हमारा गोश्त भी लगभग हो ही चुका है। तो जब हमारी प्याज लाल हो जाएगी तब हम इसे उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सभी गोश्त को डाल देंगे। अब हमारा गेहूं और जो दाल का मिश्रण है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें धनिया और पुदीना काट कर डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 नींबू का रस। अब हम यहाँ पर काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, दालचीनी और लौंग का पाउडर बना लेंगे और 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। घर का पिसा हुआ गरम मसाला बहुत अच्छा होता है, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी सा हलीम बनकर रेडी है। तो अब हम इसे बिरिस्ता डालकर सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी सा हलीम बनकर रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।